ये रेडमी 7 फ़ोन है, तो इसका बटन ऊपर वाला टूटा हुआ है, इसलिए मैं चिमटी से कर रहा हूँ। तो इसका टच काम नहीं कर रहा है, कहीं दूसरे शॉप से आया है ये। तो बंदा कह रहा था कि इसका टच काम नहीं कर रहा है, दो तीन फोल्डर चेंज करके देख लिया हूँ, फिर भी नहीं काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं हार्डवेयर से दिक्कत है। तो कभी कभी ऐसा होता है, सबसे पहले अगर ऐसा दिक्कत आए कि अगर दो दो फोल्डर तीन लगा कर चेक कर लिए फिर भी नहीं टच काम कर रहा है, तो डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास देख लेना है। तो इस पत्ते जो इस कनेक्टर रहता है, कनेक्टर के आसपास देखना है कहीं कोई कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। तो इसमें एक कंपोनेंट टूटा हुआ है, ये वाला कंपोनेंट, ये रजिस्टर, दो रजिस्टर लगा हुआ साथ साथ साइड में, तो एक इधर वाला रजिस्टर टूटा हुआ है, इसी वजह से नहीं काम कर रहा है। तो पहले कनेक्टर के आसपास देख लेना है कोई कंपोनेंट टूटा हुआ कि नहीं है कि नहीं। कभी कभी मैं जब जब हम लोग निकालते हैं ये जल्दीबाजी में, तो ये जो ना जल्दीबाजी में निकालते हैं इस पत्ते को, तो ये जो नाखून है ये कभी कभी लग जाता है, उसमें कंपोनेंट टूट जाता है, तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो कनेक्टर के आसपास लगे रहते हैं कंपोनेंट, तो कभी कभी ये पत्ता निकालते वक्त ये टूट जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई कंपोनेंट टूटा हुआ है। तो दोबारा लगा के हम चेक करते हैं तो टच नहीं काम करता है। तो इसे वो ध्यान से निकालिएगा इस पत्ते को, और अगर ऐसा कोई दिक्कत आए तो एक बार कनेक्टर के आसपास देख लेना है। तो वो रजिस्टर है तो रजिस्टर को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर कैपेसिटर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रजिस्टर ये सीरीज में लगे होते हैं तो इनका कनेक्शन दोनों इधर से उधर आना चाहिए, तो इसे शॉर्ट कर देना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर सेम बोर्ड है तो इसे निकाल के लगा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है रजिस्टर तो शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ तो भी चल जाएगा इसका टच। तो मैं शॉर्ट करके फिर दिखाऊंगा। तो ये जम्पर कर दिया हूँ, जो शॉर्ट कर दिया हूँ दोनों प्रिंट पॉइंट को, जहाँ से रजिस्टर टूटा हुआ था दोनों पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। और इसका फ़ोटो अगर क्लियर नहीं आ रहा है इसका, तो मैं इसका इमेज दे दूँगा साइड में, तो इसे देख लेना, इसे चेक कर लेना, दोनों सप्लाई दोनों शॉर्ट हुआ या नहीं हुआ है, तो दोनों को शॉर्ट कर देना है दोनों प्रिंट को। तो ये मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, आपको साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं इसका इमेज दिखा दूँगा, दे दूँगा, देखिए ये दोनों शॉर्ट हो गया है। इसे दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो भी चल जाएगा आपका टच। तो मैं इसे चेक करवा दे रहा हूँ शॉर्ट करके कि टच काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है शॉर्ट करने के बाद। तो अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, इसका बटन थोड़ा सा ऊपर वाला निकला हुआ है इसलिए चिमटी से चालू करना पड़ता है। ये रेडमी 7 फ़ोन है, ये वो कह रहा था कि दो तीन फोल्डर चेंज करके देख लिया हूँ फिर भी नहीं काम कर रहा, देखिए काम करने लगा है शॉर्ट करने के बाद। कभी कभी जब हम पत्ता निकालते हैं जल्दबाजी में डिस्प्ले कनेक्टर वाला, तो साइड में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं बहुत छोटे छोटे लगे रहते हैं तो टूट जाता है। तो देखिए टच काम कर रहा है अच्छे से, तो अगर रजिस्टर रहेगा तो उसे शॉर्ट कर देना है तो चल जाएगा। ये रेडमी 7 फ़ोन है, ये कोई भी फ़ोन में हो सकता है ये पत्ता निकालते समय, क्योंकि कनेक्टर के आसपास लगे रहते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर। देखिए एकदम अच्छे से काम कर रहा है, जैसे पहले काम कर रहा था। बस एक कनेक्टर के आसपास देखना है, जब कभी भी हम इसे निकालते हैं तो ये जो नाखून रहता है तो उसमें लग जाता है, टूट जाता है, तो पता भी नहीं चलता क्योंकि वो छोटा रहता है इसलिए पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसका मैं इमेज दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।